जीवन क्या है। सिगरेट की राख है जिसे हम कॉफी में घोल के पीते जाते हैं। समय अर्थहीन है। हेलो अशोक अरिष्ट। पुष्पी पुष्पी बोलो अरिष्ट। पुष्पी बोलो अशोक अरिष्ट। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो अशोक। मेरा जीवन एक क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें कहीं बिना मतलब के शब्द छिपे हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मैं रिक्त स्थानों में अक्षर बनने की कोशिश करता हूँ पर शब्द ठीक से बनते नहीं। तुम वो सीलबंद लिफाफा हो जिसमें सही हल रखा है। पुष्पी वो लिफाफा खोलो और मेरा सही हल निकाल दो। मेरा जीवन क्या? मेरा जीवन एक गणित की पुस्तक है जिसके अंक के उत्तर के पन्ने तुमने फाड़ कर रख लिए। मैं प्रश्न हल करती हूँ पर उत्तर नहीं मिला पाती। प्लीज मेरे उत्तर के पन्ने लौटा दो अरिष्ट। मेरी जिंदगी क्या है? एक इस्पात का कारखाना जिसकी ब्लास्ट फर्नेस नष्ट हो गई है। तुम मेरी पंचवर्षीय योजना को क्यों सैबोटाज कर रही हो मेरी पूछ? पर मेरी जिंदगी तो बोकारो का इस्पात कारखाना है जिसके लिए मदद देने का वादा करके तुम अमेरिका की तरह मुकर रहे हो रिष्ट। अशोक मेरी मोमबत्ती दोनों सिरों से जल रही है अशोक। लेकिन मेरी मोमबत्ती तो हवा के कारण आग ही नहीं पकड़ रही है। तुमसे दूर एक एक क्षण एक युग की तरह भारी हो जाता है। ये तुम क्या कहती हो? 30s की प्रेमिका की तरह बात ना करो पुष्पी। शरीर से दूर होकर भी मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जरा अपने हृदय में झांक के देखो, वहाँ मैं हमेशा हूँ। तुम भी तो 20s के हीरो जैसी बात कर रहे हो। कल से हम नहीं मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? एक पहाड़ी डाक बंगले में, इस शहर से दूर, इसके अर्थहीन शोर से दूर, मुंह फैलाए बसे निकलती हुई इन सड़कों से दूर, सबसे सबसे दूर। वहाँ क्या करोगे? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वहाँ एकांत है, शून्य है। शून्य में अपने आप को डाल दूंगा। मैं खो जाना चाहता हूँ। और मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होता है। ये क्या 30s की लड़की जैसे रोती हो? तुम भी तो 40s के प्रेमी जैसा ऐसे सोच रहे हो। शम पुष्पी शुक्रिया।
अशोक तुम कहाँ चले गए थे? अशोक तुम कहाँ चले गए थे? अब मैं आ गया हूँ पुष्पी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम आज ना आते तो मैं पागल खाने चली जाती। क्यों? पागल खाने क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगी। नहीं, तुम्हें भ्रम है। तुम्हारे भीतर 30s की नायिका फिर आ गई है। सुनो पू, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना धर्म, ना समाज, ना परिवार। समाज चाहे जितने ही प्रहार करे, तुम्हारे पिता चाहे जो बाधाएं डाले, मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मैं सारे संसार को चुनौती देता हूँ। अशोक, तुम ये 40s के हीरो जैसी डायलॉग क्यों मार रहे हो? ये अवसर है ही नहीं वीरता दिखाने का। मेरे पापा राजी है। राजी? हाँ। किस लिए? हमारी शादी के लिए। मैंने पूछ लिया है। कब? कब का? कल। वो तो शुरू से ही चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। शुरू से? हाँ। तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। क्या बताती, मुझे तो तुम्हारा मन पता ही था ना। लेकिन तुम्हें मुझे सचेत तो करना था। ये तुमने ठीक 20s की लड़की जैसा बर्ताव किया है। तुम इतने परेशान क्यों हो गए अरिश? तुम मुझे समझने की कोशिश करो पुष्पी। दीदी मुझे समझने की कोशिश करो। दीदी मैं आपसे पवित्र प्रेम करता हूँ और करता रहूंगा। दीदी 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 मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दो। दीदी अशोक, तुम तो 20 से भी नीचे चले गए। पवित्र प्रेम का क्या अर्थ है? मैंने पापा से पूछ लिया, वो राजी है। नहीं दीदी, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। दीदी 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 आप मेरे कप से एक घूंट चाय पी लो। दीदी फिर मैं पी लूंगा। दीदी मुझे इच्छा नहीं है, मैंने पी ली है। फिर अपने होठों से इसे लगा दो दीदी, ये अमृत बन जाएगा। दीदी मुझे नहीं पीना है। अशोक तुम्हें हो क्या गया है? समझने की कोशिश करो दीदी। नहीं दीदी, अशोकारिष्ट ने आपके लिए ये कार्ड भेजा है। थैंक यू। मेरी पुष्पी दीदी, तुम्हारा यह भागा अशोकारिष्ट, जिसे तुम प्यार से हिष्ट कहने लगी थी, अब कुछ दिनों का मेहमान है। जीवन रिक्त और अर्थहीन हो गया है। मेरे भीतर बाहर शून्य ही शून्य है। तुम मेरे लिए दुख ना करना। बस तुमसे एक ही प्रार्थना है दीदी, जब मेरी अर्थी उठने लगे तो तुम अपने कोमल हाथों से मेरे सिर को छू लेना। और अगर तुम किसी कारण ना आ सको तो जुहू पोस्ट ऑफिस के सामने वो जो वीना रहती है, उसे कह देना मेरा सर आके छू ले। अगर वीना भी ना आ सके तो फिर तुम्हारे मोहल्ले में वर्मा वकील की लड़की जो अर्चना है, उसी को कह देना कि आके माथा छू ले। और अगर किसी कारण अर्चना भी ना आ सके
तो तुम चर्च के चली जाना, वहाँ प्रोफेसर बी सिंह की लड़की मसूदा मिलेगी, उसी से कह देना मेरा माथा छुए। और अगर वसुधा भी ना मिले तो दीदी अप्रजना के पास चले जाना, उसे तो आप जानती ही हो, उसे कह देना मेरा माथा छुए। बस मेरा इतना सा काम कर दो दीदी। अभागा अशोकारिष्ट। भगा भैया तो चाट बाट आओ। भैया थोड़ा और आओ। मेरे पापा राजी है। सॉरी।